मदकू स्थित शिवनाथ नदी व सल्फा चुनचुनिया में स्थित मनियारी नदी में शराब की बोतलें तैरती दिखी। आसपास से गुजरने वाले ग्रामीण कुछ देर के लिए नदी के किनारे रुके और फिर सभी शराब की बोतलें लूटने लगे। सूचना मिलते ही सरगांव थाना प्रभारी मनीष नगर ने अपनी टीम के साथ पहुंची और शराब बरामद करने का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक वहां पर पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी शराब बरामद करने आ चुके थे। यहां शराब कोटा क्षेत्र में आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूटी गई थी। जानकारी के अनुसार कोटा से लगे छेरका बांधा स्थित वेलकम डिस्टिलरी से पूरे प्रदेश में देसी शराब सप्लाई होती है। रसनांद गांव ब्रेवरेज से मांग आने के बाद 871 पेटी शराब की खेप वहां भेजी जा रही थी। ट्रक कोटा से गोबरीपाट होते हुए बीजा रोड स्थित घोड़ा मार तालाब के पास पहुंचा। चालक तालाब के पास रुक गया, तभी वहां बलैरो सवार तीन युवक आए। उन्होंने आंख में मिर्ची पाउडर डालकर चालक को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। वहीं एक युवक ट्रक के लेकर भाग निकला। रास्ते में चालक किसी तरह से बलैरो से कूद गया और प्लांट के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। चालक के नैला निवासी ट्रांसपोर्टर व अपने मालिक रफीक मनिहार को लूटपाट की सूचना दी। ट्रांसपोर्टर ने चालक को इस घटना की सूचना पुलिस को देने के लिए कहा। लूटा हुआ ट्रक सुबह सरगांव क्षेत्र के ग्राम दोना के पास जली हुई हालत में मिला। ट्रांसपोर्टर रफीक मनिहार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इधर सुबह मदकू स्थित शिवनाथ नदी व सल्फा चुनचुनिया में मनियारी नदी में शराब की बोतलें तैर रही थी। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने लूटी गई 871 पेटी शराब की को नदी में डाल दिया था, क्योंकि अंग्रेजी शराब की बोतलें पुट्ठे के बॉक्स में बंद थी। देसी शराब प्लास्टिक की बोतलें में थी। पुट्ठे के बॉक्स पानी में पिघलते ही शराब की बोतलें नदी में तैरने लगी। यह नजारा देख मदकू क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और कुछ देर बाद नदी में ग्रामीणों का हजूम लग गया और शराब भारी बोतलें लूटने का दौर शुरू हो गया। सरगांव पुलिस को नदी में शराब भरी बोतलें तैरने की जानकारी मिली। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो सूचना सही निकली। शराब भरी बोतलों को देखकर समझ में आ गया कि यह कोटा क्षेत्र में लूटी गई शराब है। पुलिस ने आबकारी विभाग को सूचना देने के साथ ही शराब की बोतल नदी से निकलवाना शुरू कर दिया। पुलिस ने अब ग्रामीणों के घरों में दबिश देकर शराब बरामद करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।